बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। कराची डिस्ट्रिक्ट के टेस्ट में सिर्फ 8-9 दिन बचे, तो लास्ट 8-9 दिन में एक तो बात ये है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है मेरे भाई, दो सब्जेक्ट कंपलसरी है जो सबको ही करने हैं, चाहे प्रिंजिंग वाले हो, मेडिकल वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले। 20 मार्क्स की इंग्लिश है, 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज है। इनका मटेरियल जनरल नॉलेज इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मौजूद है अच्छा खासा, और मैं देता भी रहूँगा। टोटल कम से कम इसमें से 25 मार्क्स जरूर लेने हैं अगर आपने टेस्ट क्लियर करना है। 40 मार्क्स हैं, ये वो हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसकी तैयारी मैं आपको बहुत अच्छी तरह करा चुका हूँ। मजीद बहुत वीडियोज हैं भरी हुई इसकी। इन मार्क्स में कम से कम 25, क्योंकि यूजली इस वक्त 40 मार्क्स रखे हैं पासिंग, किल में नहीं रखे हैं 40। UVIT हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, उनमें 50 है। तो वहाँ का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे यार यहाँ से 35 मार्क्स उठा लें, 30 मार्क्स उठा लें। आप बोलोगे सर 40 में से 30-35, बिल्कुल जाना। जो टिप्स आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ इंग्लिश के, उसके बाद इतने मार्क्स हासिल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी इंग्लिश की प्ले लिस्ट, GK की प्ले लिस्ट कर लें, जनरल नॉलेज की प्ले लिस्ट, अच्छा जनरल नॉलेज और IQ दोनों मेरे साथ हैं, तो ऑफकोर्स IQ की प्ले लिस्ट भी हमें देखनी है। और अब आ जाए कि कंपलसरी सब्जेक्ट, यार इसमें इतना टाइम नहीं लगता। जनरल नॉलेज तो आपको अगर आती है आप 5 मिनट में कर लेंगे, बहुत से बहुत आप 10 मिनट इसके लिए रख लें, इसमें आराम से टाइम दीजिएगा 20 मिनट। इसमें काम कहाँ देना है, वो कैप तो जल्दी हो जाएगी, एनालॉगीज भी हो जाएगी, ग्रामर ज़रा तमीज़ से कीजिएगा, पैसे रीडिंग की जो टिप्स और ट्रिक्स बताई थी जिन बच्चों को नहीं बताए उनको दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है जी, वो मसला नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके पास आज जनाब फ्राइडे को तो आप काउंट नहीं कीजिए, सैटरडे को मैं आपको बोलूँगा कि इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह देखें, और संडे को इंग्लिश और GK दोनों में एग्जाम है। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे प्री इंजिंग वाले दो दिन जो है वो दे दीजिए मैथ्स का, मंडे ट्यूजडे, वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स केमिस्ट्री के, और फ्राइडे सैटरडे ओवरऑल रिवीजन कर लीजिएगा। इसी तरह प्री मेडिकल वाले दो दिन बायो को दे दें, बाकी दिन एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री। कॉमर्स वालों को मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने अकाउंटिंग ली है, क्योंकि अब की थोड़ा सा पैटर्न कॉमर्स के लिए चेंज किया, पिछली दफ़ा 5 में से कोई से भी आप 3 सब्जेक्ट उसी वक्त डिसाइड कर सकते थे, अब की दफ़ा आप लोगों ने पहले कर ली है, तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग को कम से कम आप 2 दिन लें जिन्होंने अकाउंटिंग ली है, वरना बिजनेस को दें। यानी आप सोचेंगे मैंने सैटरडे संडे इंग्लिश जनरल नॉलेज को देना है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे में अपने तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट, और फ्राइडे सैटरडे जनरल रिवीजन। फ्राइडे को आप पढ़िएगा जितनी देर तक हो सके, रात को पूरी रात आप जाग लें कोई मसला नहीं। सैटरडे वाले दिन यानी 1 दिसंबर को कोशिश करेंगे शाम 6-7 बजे तक स्टडी रोक दें, खाना पीना भी रोक दीजिए, सर नमाज पढ़ें मगरिब की, फिर ईशा की नमाज के बाद कोशिश करें सोने की, खाना पीना मगरिब पे छोड़ दीजिए ताकि आप सुबह सुबह उठ सकें। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं काइंडली उस दिन खर्चा कर लें, रिक्शा कर लें, टैक्सी कर लें, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ जेब कट जाती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जहनी तौर पर बंदा उसी वक्त टॉर्चर हो जाता है। टेस्ट देना तो फिर बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर कराची यूनिवर्सिटी उस दिन 10 बजे बुलाती है, जिसमें अभी विजुअल स्टडीज वालों को 10 बजे बुलाया डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे भाई आप 9 या 8:30 तक वहाँ पहुँच जाइएगा, क्योंकि बाद में और रश हो जाएगा, नहीं पटोगे, और अपना डिपार्टमेंट सर्च करने की कोशिश कीजिएगा उस दिन। कोशिश कीजिएगा सिल्वर जुबली गेट से ही जाएँ, अगर डिपेंड करता है कि अगर आपका आर्ट्स लॉबी में यूजली बनता है सेंटर, अगर कहीं और बना तो मैं बता दूंगा कि उसको क्या करें, क्या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आना जाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। सारे देखें टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अब अगर आप प्री इंजिंग के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम वाले दिन इंजिंग मेडिकल की बात पहले कर लेता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पोर्शन ऐसे हैं जिनमें बड़े आराम से 10-10 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। एक ऐसा है जिसमें से आप 20 से 15 ला सकते हो। मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि ना से आप टेस्ट मार्क्स क्लियर करो बल्कि अच्छे नंबर ले लो, तो इन दोनों में बड़ा आसान है मार्क्स लेना। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट है बता चुका हूँ, चैप्टर 2-7। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर फिजिक्स से जो है वो 12-15 चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 17 मॉडल फिजिक्स। एग्जाम में दोनों सेक्शन ये 20-20 मिनट्स मैक्सिमम, वरना 15-15 मिनट में कर लीजिए, 5-5 मिनट रिवीजन के दीजिए। अब प्रीजिंग वालों को मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, जितना टाइम हम बचा रहे हैं यहाँ पर अगर आप 20 मिनट्स बड़े आराम से दे सकते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। सेम थिंग अबाउट प्री मेडिकल वाले, वो बायोलॉजी को ज़रा ज़्यादा फोकस कर लें क्योंकि उनके लिए वही अहम होगा। कॉमर्स वालों को मैं कहूँगा कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम दें, पहली बात तो मैंने जो मशवरा दिया था वो तो कमर्शियल ज्योग्राफी का दिया था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जनरल नॉलेज से ही कवर हो जाता है, इसमें तो 10 मिनट में पेपर भी हो जाता है।
POC पहले कीजिएगा, 10-12 मिनट से ज़्यादा इसमें भी नहीं लगते, ठीक है मेरे भाई। बिजनेस मैथ्स इसमें टाइम लगेगा। अब आपने बिजनेस मैथ्स भी ली हुई है, अकाउंटिंग भी ली हुई है और इकोनॉमिक्स भी ली हुई है, तो थोड़ा फंस जाते हैं बच्चों, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट टाइम टेकिंग है। फिर उस जरूरत में आप 20-20 मिनट से ज़्यादा किसी में भी नहीं दे सकते, ये बस ध्यान में रखिएगा। लेना अगर आपने POC या कमर्शियल ज्योग्राफी ली है तो आराम से आप अकाउंटिंग में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले जो है, अब उनके डिपेंड करता है कि अगर इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इस्लामिक हिस्ट्री और सिविक्स वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता। जितनी वीडियोस हो रही हैं काम की वो मैं डालता जा रहा हूँ। पेपर से एक दो दिन पहले की मजीद में कुछ स्पेशल टिप्स भी दे दूंगा, और सैटरडे वाले दिन एक स्पेशल जनरल नॉलेज की क्लास भी रख लेंगे आगे जनरल नॉलेज के नाम से, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं बिल्कुल एक दिन पहले भी डाल दूंगा सैटरडे को, ठीक है जी। जो लोग क्लास नहीं ले सकते और जो व्यूअर्स हैं वो सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे की चीज़ें लाजमी देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।